तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे TGVSL को लेकर। TGVSL ये एक नया स्टॉक है, इसके ऊपर हमने पहली बार वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये स्टॉक भी बिल्कुल अपने ब्रेकआउट के करीब है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 105 और 106 वाले लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो बहुत अच्छे रिटर्न हमें बना करके दे सकता है। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमारा सपोर्ट ये है, ये ट्रेड लाइन ब्लू वाला, यानी 98 रुपये का हमारा सपोर्ट है। अगर हम एंटर करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये निकल के आ रहा है 94 रुपये 95 रुपये का रेंज। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है स्टॉक, तो पेनी क्रिएट हो सकता है और इस लेवल पे दोबारा चांस बनता है 87 रुपये के प्राइस में आने का। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर सीधा सीधी आपको 76 रुपये के प्राइस में आने का हाई प्रोबेबिलिटी चांस है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन ब्रेकआउट कर देता है ये स्टॉक, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये सबसे पहले टारगेट देखने के लिए मिलेगा 132 का टारगेट। अगर हम मानते इस लेवल पर हमने एंटर किया स्टॉक के अंदर करंट प्राइस में, तो हमारे पास क्या आ गए टारगेट 130, यानी 30% का रिटर्न मिल गया। लेकिन हमारे पास स्टॉप लॉस क्या है, हमारे पास स्टॉप लॉस है 7% का स्टॉप लॉस। 7% के स्टॉप लॉस में हमारा ये प्रॉफिट है, मतलब ये हमें मिल सकता है पहला टारगेट 31% का, यानी 132 रुपये का, और दूसरा टारगेट हमारा ये है 153। और जब ये स्टॉक ना अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है 182, तो 81% का रिटर्न आपको यहीं मिल करके तैयार हो जाता है, बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर इस लेवल को स्टॉक ब्रेक करता है तब तो फिर आपको बहुत शानदार रिटर्न बना करके दे सकता है, क्योंकि जब जब स्टॉक ब्रेकआउट दिया है, मैं आपको दिखला दूँ, स्टॉक जब जब भी ब्रेकआउट दिया तो वो काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को बना करके दिया है। जैसे कि ये हम लोग मूव पकड़ लें 64 से सीधा 157% का रिटर्न इस लेवल को ब्रेक करते ही अच्छा रिटर्न बना करके लोगों को दिया है। और तो ऐसे कामकाज किया जा सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो इनका इस पर तो अभी तक हमने वीडियो अपडेट नहीं किया, तो इसका एक बार हम लोग फंडामेंटल चेकआउट कर लेते हैं। तो एक बार हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो मार्च वाले क्वार्टर में क्या 67 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन दिसंबर में 143, सितंबर में 157, जून में 182। तो जिस हिसाब से इनका प्रॉफिट आ रहा है क्वार्टरली बेस पे, तो बहुत शानदार प्रॉफिट ला रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट की बात कर ले, 32 करोड़ नेट प्रॉफिट मार्च में, दिसंबर में 88, सितंबर में 95 और जून में 148 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट लाया कंपनी। अब आते हैं हम लोग ईयरली बेस पे 2023 में। 2023 में 537 करोड़ का है ऑपरेटिंग, और 2022 में 322, 2021 में 149। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में तो बहुत लाजवाब है, उस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से नेट प्रॉफिट भी कंपनी ला रही है अच्छा खासा, मतलब क्वार्टरली ईयरली बेस पर अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की। और ये स्टॉक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। कैश फ्लो भी कंपनी का स्टाफ के है 429 करोड़ का है। और अगर हम लोग बात करें ब्रोविंग यानी कर्ज का, तो 232 करोड़ का कर्ज है, मतलब डेट फ्री स्टॉक बोल के चल सकते हो। रिजर्व है 939 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेकआउट कर लिया जाए तो 63.18% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास मार्च 2023 में। ये होल्डिंग 2020 में भी सेम हुआ है, मतलब कंपनी के प्रमोटर को पूरा बिलीव है कि कंपनी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो देखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ऐसा लग रहा है देख करके, ठीक है। और करंटली ये स्टॉक आपको अभी डिस्काउंट मिल रहा है, जो भी है अपने हाई से नीचे मिल रहा है। और देखो, स्टॉक फी के हिसाब से अगर देख लिया जाए, मतलब बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप 1070 करोड़ का है, तो बहुत छोटी कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक चल सकते हैं। स्टॉक पी के हिसाब से ये स्टॉक बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता मिल रहा है, 2.96% स्टॉक पी है। इस हिसाब से स्टॉक बहुत सस्ते प्राइस में है और कंपनी का हाई 182 है, 69 रुपये का लो है, लो के करीब में ये स्टॉक मिल रहा है आपको।
तो हमने टाइम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर खोल रखा है इनका चार्ट पैटर्न, और कंपनी 2019 के बाद से 2020 से कोरोना टाइम में स्टॉक नीचे आया था, 10 रुपये के प्राइस में था, वहाँ से लगातार बहुत शानदार रिटर्न लोगों को बना करके दिया है और कंपनी की परफॉर्मेंस भी उतनी ही तगड़ी है। आपको माना जाता है कि केमिकल सेक्टर के जो भी स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न बना करके देते हैं, वैसे ये चीज़ किया 1530% का 1600% रिटर्न कंपनी बना करके दी है। तो इतनी गिरावट, ठीक है जाहिर सी बात है, इतना गिरावट कॉमन सी बात है, गिरावट तो होना तय था क्योंकि जब इतने हाई प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा पोर्टफोलियो के अंदर तो गिरावट तो होगा ही होगा। ठीक है, अभी 52% की गिरावट में ये स्टॉक है और जो जिस प्राइस में मिल रहा है उस प्राइस में आप मान के चल सकते हैं 48% की प्रॉफिट, 48% के गिरावट में अभी आप करंट प्राइस में मिल रही है स्टॉक। और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मैक्सिमम टाइम भागता रहा है, कुछ टाइम कंसोलिडेट था, मतलब एक रेंज में था, बट मैक्सिमम टाइम भागा है। तो करंटली हम क्या करके चल सकते हैं, अभी स्विंग ट्रेड के लिए परफेक्ट स्टॉक है। अगर हम यही बाय कर लेते हैं इस करंट प्राइस में तो इस रेंज से ज्यादा देते हमें 5% रिटर्न तो मिल ही जाएगा 105 के लेवल को क्रॉस करते करते। ठीक है, प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमें कामकाज करना है, ये नहीं कि बस स्टॉप लॉस लगा दिया और प्रॉफिट को प्रोटेक्ट ना कर पाए, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कामकाज करना है। अदरवाइज मतलब इसे करने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहता है, अगर स्टॉक नीचे आता है तो आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप स्टॉक और रेंजर वन का, तो वहाँ जाकर के आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक और रेंजर वन दोनों का लिंक दिया गया है, ये लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। और अगर ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस बनाया जा रहा ना कि बाई और सेल करने के लिए, अगर आपको एंट्री करना हो तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाई और सेल करके चल सकते हैं।